हार्दिक जय भीम। मैं हूं एडवोकेट वदीप महानंदिया। बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों ऐसे कहते थे, माई स्ट्रगल इज टू हेल्प ऑल सेक्शंस ऑफ वर्किंग क्लास। बाबा साहेब उनके वक्तव्य में और उनका राइटिंग में ये लिखते हैं, मेरा स्ट्रगल, मेरा संग्राम और मेरा संघर्ष आप सब लोगों को और भारत का सब सेक्शन का लोगों को आजादी के लिए, उनका डेमोक्रेसी अधिकार को दिलाने के लिए मेरा यह संग्राम जिंदगी भर कंटिन्यू चलता रहेगा। क्यों ऐसे कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर? क्या जरूरत था भारत का तमाम गरीबों के लिए लड़ने के लिए? वो चाहते तो आलीशाल बंगला बनाकर जिंदगी जी सकते थे, वो चाहते तो भारत का, विश्व का किसी कोने पर भी, कोई भी कंट्री में भी वो बहुत बड़ा नेता बन सकते थे, वो चाहते तो धन कमाने के लिए वकालत करके भारतवर्ष में अच्छा जिंदगी जीते और उनका पूरा परिवार आज फॉरेन में सेटल होते। क्यों नहीं किए? इसका कारण क्या है? क्यों ऐसे काम नहीं किए? क्योंकि उनका मकसद था गरीबी मिटाना, जातिवाद को मिटाना और भारत में भारत को अखंडित रखना और भारत को विश्व दरबार में नाम दिलाना। ऐसे महान इंसान दोबारा भारत का धरती में पैदा होना नामुमकिन है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, मेरा स्ट्रगल जितने भी गरीब दबे कुचले गरीब लोग, वर्कर क्लास लोगों का जिंदगी को सुरक्षा देना है। ये सन 1942 का बात है। हम जब कंपेयर करते हैं दोनों का समय पीरियड में, 1942 का पीरियड और 2021 का पीरियड, उस वक्त बाबा साहेब कहते थे, मेरा संघर्ष, मेरा संग्राम भारत का सब गरीबों को बचाने के लिए। फिलहाल 2021 COVID-19 में हमारा सरकार का संग्राम खुद का कुर्सी को बचाने के लिए। अब देखिए, इतना बड़ा कोविड महामारी कौन फैलाया है? पांच पांच स्टेट में इलेक्शन करने के लिए कौन उसकाया है? हमारा गोदी मीडिया सिस्टम सिस्टम चिल्ला रहा है। अरे सिस्टम को कौन चलाता है? सिस्टम चलाने वाले कौन है? आज यूपी में अनगिनत लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट इन्हें छुपा रहा है। फिलहाल बेंगलुरु और दिल्ली दोनों कंटेस्ट हो रहा है, बराबर हो रहा है कोरोना पॉजिटिव में। हर दिन में 4 लाख से ज्यादा, आज 4,02,000 लोगों संक्रमित हो चुके हैं और हर दिन 3,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। वर्तमान देश का स्टेटमेंट लोगों का लाश का ऊपर चल रहा, चल के राजनीति कर रहे हैं और उस दिन का स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद का परिवार का लाश का ऊपर चलकर वो देश को बचा रहे थे। याद कीजिए आप लोग, उनका परिवार इंदू को खो बैठे बाबा साहेब अम्बेडकर पहला, उसके बाद उनका बेटा राज रतन को खो बैठे, रमेश को खो बैठे, आप लोग गंगाधर को भी खो बैठे, लास्ट में माता रमाबाई को भी खो बैठे। उनका परिवार का लाश के ऊपर चल के हमारा स्ट्रगल को आगे बढ़ाया और हमारा जिंदगी को बचा दिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोगों का लाश का ऊपर चल के ये लोग राजनीति कर रहे हैं आज का स्टेटमेंट। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को स्टेटमेंट नहीं कहता हूं, वो था स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर,
वो हर वक्त कहते थे लिबरल आज मैं डे है साथियों, कम्युनिस्टियों का आज ढोंगी डे है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कभी भी सामाजिक क्रांति नहीं करते, जात पात मिटाने के लिए आंदोलन नहीं छेड़ते, रोटी और बेटी का रिश्ता रखने के लिए वकालत नहीं करते, सिर्फ लेबर का बात करते हैं। तो बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं मैं भारत में रहने वाले टोटल लेबर क्लास लोगों को आजादी के लिए लड़ रहा हूं, जब तक मैं एजुकेटिव काउंसिल का मेंबर हूं स्टेट को इतना डिफेंस करूंगा लोगों को बचा के ही रहूंगा। आज जो 8 घंटा ड्यूटी आप कर रहे हैं, ये बाबा साहेब अंबेडकर का 1942 जब वो स्टेट एजुकेटिव काउंसिल का मेंबर थे और सेंट्रल एजुकेटिव काउंसिल का मेंबर थे, तब उन्होंने कानून पारित किए थे। 14 घंटा मेहनत कर रहे थे लेबर, आज 8 घंटा पर। बाबा साहेब ये कहते हैं मैं लोगों को वेज के लिए लड़ूंगा, उनका वेज को प्रोटेक्ट करूंगा, उनका बच्चा को प्रोटेक्ट करूंगा, उनका परिवार को प्रोटेक्ट करूंगा, और उनका जिंदगी को एडवांस जिंदगी जीने के लिए मैं अहरह संग्राम करूंगा। ये करके भी दिखाया बाबा साहेब अंबेडकर ने लेबर का बच्चे के लिए काम किए, ताकि वो लेबर का बच्चे आज का तारीख में लेबर कार्ड को दिखाकर उनको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलता है, पढ़ने की सुविधा मिलता है, उनको इंश्योरेंस मिलता है। ये बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष का फल स्वरूप है। साथियों आज लेबर डे है, आज लेबर के लिए मैं बता रहा हूं। बाबा साहेब कहते थे जो भी हुक्मरान, जो भी कंपनी का मालिक जो लेबर को भी अपॉइंटमेंट करेगा, उनका देख रख करना उनका काम है, उनका परिवार को प्रोटेक्शन देना वो फैक्ट्री का काम है, मालिक का काम है, और उन्हें अच्छा एनवायरमेंट दिलाना। 8 घंटा से ज्यादा वो काम नहीं करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा मतलब उन्हें एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर मिनिमम वेज को प्रोटेक्ट दे दिए है, आज फलस्वरूप लेबर को प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन साथियों अप्रैल महीना आते ही मुझे थर थर कांपता है मेरा शरीर। 2020 में जब मार्च अप्रैल में हमारा लोग रोड पर चल रहे थे, हमारा माननीय प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिए 4 घंटे के बाद भारत बंद हो जाएगा, कितने लोग मर गए, कितने लाशों पर हमारा प्रधानमंत्री जी ने चले, उन्हें पता होगा या नहीं मुझे मालूम नहीं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सॉलिसिटर जनरल का बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कोई भी लोग रास्ते पर नहीं चल रहे, नहीं मर रहे, इसीलिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा मिट जाता है। साथियों बाबा साहेब अंबेडकर ये भी कहते जब तक आप लोग को आजादी नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ते रहूंगा, और उनका परिवार का लाश का ऊपर चलकर बाबा साहेब अंबेडकर लड़े, लड़के आप लोगों को कानून दिलाए, अधिकार दिलाए। बाबा साहेब इसीलिए महान है, इसीलिए इतिहास उन्हें हर वक्त याद रखता है। आर्टिकल 21 के तहत लेबर के लिए, गरीब के लिए, भारत के तमाम लोग के लिए जिंदगी जीने की अधिकार दे दिए, इसीलिए आज हमें हर कोई सुविधा मिलता है। आपको पता है आप लोगों को फिलहाल जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने 8-8 हाई कोर्ट ने आर्टिकल 226 के तहत जीने की अधिकार के ऊपर टिप्पणी करते हुए मेडिकल फैसिलिटी और ऑक्सीजन को सही से लोगों को प्रोवाइड करने के लिए उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका सुनाई कर चुके हैं। ये डॉक्टर बाबा साहेब का संघर्ष का फल स्वरूप है, क्योंकि 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा क्षमता मिलता है।
और सुप्रीम कोर्ट कभी भी उनका आइन डिस्चार्ज करते वक्त वो कभी उन्हें रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट का सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं होता है जब वो अंडर सेक्शन 226 में हियरिंग करता है। ऐसे है बाबा साहेब अंबेडकर का कानून। इसीलिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट लेबर को सुरक्षा देता है, सब लोगों का जिंदगी का सुरक्षा देता है। साथियों, अभी इलेक्शन हो गया है पंजाब में, कोई बंगाल में जो भी सीएम बने हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस सीएम लोगों का लाश का ऊपर बैठ के ही शासन करेगा, क्योंकि आज का तारीख में फिलहाल 5 स्टेट में से बंगाल में हर 2 इंसान में से एक इंसान को, एक इंडिविजुअल सिटीजन को कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। ये पूरा हवा में फैल गया, मतलब भारत वर्ष का इकोनॉमिक कंडीशन क्या से क्या नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं जब तक भारत वर्ष में ये लेबर क्लास लोग डिविजन होते रहेंगे, हिंदू और अनटचेबल होके रहेंगे, तब तक ये अपना अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे। सो काल सवर्ण हिंदू लेबर को ये सोचना चाहिए और डिप्रेस क्लास लेबर का साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेबर का कोई धर्म और जात होना नहीं चाहिए, नहीं तो आने वाला कल उनका नस्ल बर्बाद हो जाएगा। ये कैपिटलिस्ट इन लोगों को शोषण करते रहेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर उनका स्पीच नंबर 72 पेज नंबर 239 वॉल्यूम 3 में ये बात रखते हैं 17 का, आज भी समझ नहीं पाए हम लोग। सवर्ण हिंदू सोकल सवर्ण हिंदू बन के एक धड़ा अलग हो जाता है, अनडिप्रेस्ड क्लास होके और एक धड़ा अलग हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर कानून बनाते वक्त ऐसे नहीं सोचे। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं सबको मिलकर संगठित होकर लड़ना है, नहीं तो गरीबी मिटेगा नहीं। वर्तमान परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेंट पूंजीपतियों को बेनिफिट दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का कानून से छेड़छाड़ कर रहे हैं और पूंजीपतियों को कैपिटलिस्ट को ज्यादा इंपोर्टेंट दे रहे हैं। साथियों, भारत में आज जो परिस्थिति है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? मेरे ख्याल से इलेक्शन करवाने वाला और सिस्टम में रहकर हां जी करने वाले और कुंभ मेला को चलाने के लिए आदेश देने वाले लोग हमारा देश को कोविड 19 में धकेल चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में आज लेबर डे में बाबा साहेब को याद करते हुए मैं आप लोगों को ये गुजारिश करता हूं, आप लोग सब इकट्ठा हो जाइए, आपका नस्ल को बचाने के लिए कोरोना से लड़िए। कोरोना को कैसे लड़ना है, सब मिलके लड़ना है। गवर्नमेंट का ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे तो हमें कभी ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और मेडिसिन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री जी ने कितना मेडिसिन कोविड 19 वैक्सीन भारत में बनता है हर दिन, उन्हें पता नहीं था। इसीलिए इन्होंने फॉरेन को भेज दिए, अदर नेशन को भेज दिए बाहा लेने के लिए। आज जो परिस्थिति आ गया है हम लोगों को देश में, अभी वैक्सीन ही नहीं मिल रहा है, जीवन रक्षक मेडिसिन ही नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर जैसे मेडिसिन को काला बाजारी किया जा रहा है और डुप्लीकेट मेडिसिन भी लोगों को दे रहे हैं। इसीलिए आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, आपका शरीर को मजबूत रखने के लिए कोशिश कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है इस पैनडेमिक में। बाबा साहेब अंबेडकर हमें जो कानून दे के गए है वो कानून ही हमें बचाएगा। वो कानून के तहत हमारा हाई कोर्ट लड़ रहा है, उस वक्त बाबा साहेब लड़ रहे थे हमारा जिंदगी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब हाई कोर्ट लड़ रहा है बाबा साहेब का कानून आर्टिकल 226 के तहत।
मेरा भरोसा और विश्वास है कानून का ऊपर। ये कानून आप लोगों का जिंदगी को बचा रहा है। लेबर, मजदूर, गरीब, भारत का तमाम सिटीजन को, जो बाबा साहब लड़के जो आर्टिकल 21 में आपका जिंदगी को जीने की जो अधिकार दिए है, वो अधिकार को हाईकोर्ट मजबूर होके आपको प्रोटेक्शन देने के लिए मजबूर हो चुका है, और हाईकोर्ट अपना ड्यूटी प्रॉपरली डिस्चार्ज कर रहा है। और मैं जानता हूं जो भी कल्प्रिट, जिन लोगों के कारण इस महामारी भारत में फैला है, जिन लोगों के कारण आज भारत में लोगों का जिंदगी ऐसे बर्बाद हो रहा है, इनको मेरा भरोसा है, विश्वास है, कल्प्रिट को पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि लोगों का लाश का ऊपर चढ़कर शासन करने वाले को हम शासक नहीं कहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का कानून आज भी आपको साथ दे रहा है। मैं शुक्र गुजार, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूं डॉक्टर अंबेडकर साहब को। उस वक्त जब वो जीवित थे तो वो कहते थे मेरा स्ट्रगल आप लोगों को सुरक्षा के लिए। आज भी बाबा साहेब हमारा लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसे स्ट्रगल पता चल रहा? उनका कानून हमारा साथ मिलके हम स्ट्रगल कर रहा है। जैसे मैं फिर रिपीट करता हूं, भारत का संविधान का आर्टिकल 2.6 और भारत का संविधान का आर्टिकल 32 और भारत का संविधान का आर्टिकल 21, ये तीन कानून और तीन आर्टिकल आज आपको साथ साथ आपका पास पास खड़ा है, हर वक्त खड़ा है, और आपको चिल्ला के कह रहा है मैं हूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं, मुझे अंबेडकर भेजा है आप लोगों को सुरक्षा के लिए। संविधान रूप कानून से बाबा साहेब अंबेडकर हर वक्त आपका साथ खड़ा हो रहा है। आप कभी भी मत डरिए, कोई भी हुक्मरान आपको डराएगा तो डरने के लिए बात नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आजादी अंबेडकर ने दी है, और बाबा साहेब अंबेडकर का आर्टिकल 19 आपको उत्साहित कर रहा है आपको अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए। साथियों, आज भी बाबा साहेब लड़ रहे हैं ये बेमानी लोगों से, आज भी बाबा साहेब अंबेडकर लड़ रहे हैं ये तानाशाही लोगों से, आज भी बाबा साहेब अंबेडकर लड़ रहे हैं ये इंपीरियलिस्ट लोगों को, ये मनुवादियों से आपको बचाने के लिए। तनिक आप इस कानून को जानिए और हर वक्त लड़ने के लिए कोशिश कीजिए। मेरा ये भरोसा है आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के वजह से आप लोग जी जाएंगे और आपका जिंदगी बच जाएगा। ऐसे है बाबा साहेब का लड़ाई, ये लड़ाई को बंद मत कीजिए और ज्ञान को आगे बढ़ाइए और आपका परिवार को सुरक्षित रखिए। ये बेमानी लोग, ये इंपीरियलिस्ट लोग, ये मनोवादी लोग हमारा लोगों को मारने के लिए हाथ में हाथ बांध कर बैठ गए थे, क्योंकि जब तक बंगाल का इलेक्शन खत्म नहीं हुआ था, 5 स्टेट का इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, तब तक चुपचाप बैठ के देख रहे थे मजा, क्योंकि उनका पास पैसा है, मेडिकल फैसिलिटी है, उनको कोरोना होगा तो ये अच्छा हो जाएगी। हमारा लोग जब आज मर रहे हैं, इनके लिए सिर्फ कानून ही सहारा है। ये कानून का भरोसा से आज मेडिकल चलता है और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट चल रहा है, मेरा ये भरोसा है। अब देखिए यूपी में टीचर लोगों भी आ गए रोड पर, पंचायत इलेक्शन करने की क्या जरूरत था? अब इलेक्शन काउंटिंग करने से क्या जरूरत है? इतने लोग मर रहे हैं, 130 से ज्यादा टीचर मर गए हैं, फिर भी तानाशाही गवर्नमेंट को थोड़ा भी ज्ञान नहीं है क्या? लोगों का लाश का ऊपर बैठ के शासन करने वाले शासक को हम क्या शासक बोलेंगे? साथियों, आज भी बाबा साहेब ऐसे ही आप लोग का साथ लड़ रहे हैं। आप लोग भी लड़िए, अपना परिवार को बचाइए, खुद को बचाइए और भारत वर्ष को बचाइए। मेरा ये पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट का ऊपर, आर्टिकल 32 का ऊपर, मेरा ये पूरा भरोसा है आर्टिकल 226 के ऊपर, क्योंकि ना ये दोनों आर्टिकल के तहत हमारा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट न्याय डिस्चार्ज करेगा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए। ऐसे हो के आज भी बाबा साहेब आपका साथ संग्राम कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका कमेंट बहुत जरूरी है। आपका कमेंट से हमें पता चलता है
और साहस मिलता है आगे मिशन को चलाने के लिए। बाबा साहब को मिशन को चलाना है, देश का कानून को सब लोगों को देश का कानून के बारे में बताना है, इसीलिए आप लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। और SM न्यूज चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलिए और इनको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों का सब्सक्राइब ही इस चैनल को बचा सकता है और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को मजबूत करता है। थैंक यू। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।